हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। और मेरा नाम है अमन त्रिवेदी। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ पैरा जंबल के बारे में, पैरा जंबल के क्वेश्चंस। क्योंकि आप सभी को पता है 11 से 13 सितंबर तक आप सभी का टीयर 2 लगा हुआ है और आप सभी लोग जम के तैयारी कर रहे होंगे। तो पैरा जंबल और कुछ ऐसे चैप्टर्स जो कि मैंने लास्ट वीडियो में भी आप सभी से प्रॉमिस किया था कि मैं कुछ चैप्टर्स के वीडियो आपको प्रोवाइड करूंगा, जिसमें आपको कुछ स्पेशल टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताऊंगा कि कैसे आपको इन चैप्टर्स को डील करना है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन त्रिवेदी और मैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में ऑडिटर हूं। मैं आपको इस वीडियो को प्रस्तुत कर रहा हूं। यहां पर आप मेरे बारे में पढ़ सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरा फेसबुक पेज लाइक नहीं किया है तो फेसबुक पेज आप मेरा लाइक कर दीजिए। इसके लिए आप फेसबुक पे सर्च कीजिए @ त्रिवेदी अमन 25 ऑन फेसबुक, उससे आपको मेरा फेसबुक पेज मिल जाएगा, आप उसे लाइक कर सकते हैं। इसके अलावा आपने अगर मेरा टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लीजिए, @अमन त्रिवेदी आपको टेलीग्राम पर सर्च करना है, जहां पर आपको वीडियो की PDF और इंपॉर्टेंट PDF वगैरह सारी चीज़ें आपको वहां पर मिलती रहती हैं। इसके अलावा डेली असाइनमेंट अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं इंग्लिश के, जिसमें मैं 30 questions डेली देता हूं, जिसमें मैं RC, पैरा जंबल, क्लोज टेस्ट और आपका एरर डिटेक्शन, ये 4 topics के 30 questions मैं आपको देता हूं। अगर आप इन्हें प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप amantrivedi.com पर जाकर अपने PDFs को डाउनलोड कर सकते हैं और उन्हें प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, आपको मैं अनअकैडमी की प्लस के बारे में बताना चाहूँगा। दिस इज माई कोर्स एक्सटेंसिव बैच फॉर SSC CGL प्री एंड मेंस फॉर 2019। अगर आप 2019 की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस बैच को ज्वाइन कीजिए। इस बैच में हम 16 अगस्त से शुरू हुआ है ये बैच और 31 दिसंबर तक ये बैच चलेगा। इस बैच में हम पूरी SSC CGL 2019 की पूरी तैयारी करवा रहे हैं। अगर आप इसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब करना होगा। उसके लिए आपको अनअकैडमी प्लस पे जाना होगा और उसके बाद आपको गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना होगा। उसके पास 4 options होते हैं। आप 12 months का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, क्योंकि अगर आप 2019 की तैयारी कर रहे हैं तो करीब करीब 1 साल पूरे प्रोसेस में लग जाएगा। तो 5,000 रुपये का सब्सक्रिप्शन है। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, आप मेरा रेफरल कोड डालेंगे अमन त्रिवेदी, अप्लाई करेंगे, आपके पास कुछ क्रेडिट्स होंगे, इन्हें अप्लाई करेंगे तो टोटल आपको 10% यहाँ से और 10% यहाँ से, टोटल आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाता है। तो ये जो कॉस्ट 5,000 है, 5,000 से घट के जितने ज़्यादा आपके क्रेडिट्स होंगे उतना ज़्यादा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो 4,000 रुपये में सभी टीचर्स जितने भी अनअकैडमी प्लस पे पढ़ाते हैं सभी के लेसन्स आपको कोर्सेज मिलेंगे। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि उसके बाद सारे के सारे प्लस कोर्सेज आप देख सकते हैं अनअकैडमी प्लस पर और कॉस्ट बहुत ही जेन्युइन है। आगे बात करते हैं व्हाई दिस टॉपिक, क्यों मैंने इस टॉपिक को चुना है और क्यों ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो पहले तो इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस को मैं आपको बता देता हूं क्यों ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, यहां पर मैंने आपका पूरा ब्रेकअप किया हुआ है, 209 क्वेश्चंस जो आते हैं, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन और कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं, मैंने पूरा लिखा हुआ है यहां पर। अगर आप यहां पर ध्यान से देखेंगे तो आप पाते हैं जंबल्ड पैराग्राफ जिसकी मैं बात कर रहा हूं इस वीडियो में, करीब 20 नंबर का चैप्टर आता है ये, और ये कई बार 25 भी हो सकता है। यानी कि ओवरऑल हम बात करें तो 20 से 25 नंबर इस चैप्टर से आते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा होता है। 20 से 25 का मतलब हो रहा है, अगर आप बात कर रहे हैं 20 नंबर की, तो यानी कि 10% पेपर आपका इस टॉपिक से आ रहा है और 10% एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। और ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें हर एस्पायरेंट के क्वेश्चंस गलत होते हैं। ऐसा कोई एस्पायरेंट नहीं है जिसका 100% एक्यूरेसी हो, लेकिन आप इसमें 100% एक्यूरेसी ला सकते हैं अगर आप कुछ ट्रिक्स को अच्छे से अप्लाई करें और ध्यान से अगर अपने पेपर को करें, पूरा ये चैप्टर सही हो सकता है। मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं अगर आप अच्छे से पढ़ाई करोगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में कैसे इस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। तो फिलहाल जो मैं इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं वो सारे क्वेश्चंस आपके CGL Tier-1 2018 में आए हुए सवाल हैं। तो यानी अगर आप CGL 2018 का Tier-1 का पेपर दिया है आप लोगों ने, तो आपने देखा होगा सवाल किस तरीके के आए थे। मैं उन्हीं पैराजंबल क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाला हूं आगे के वीडियोस में। अगर आप लोगों ने इससे रिस्पांस दिया और अगर आप लोगों ने इस वीडियो को शेयर किया, लाइक किया और आपको ये वीडियो पसंद आया, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा, तो मैं आगे के वीडियोस में कुछ CDS के क्वेश्चंस, कुछ अच्छे क्वेश्चंस, कुछ और डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी आपको करवा दूंगा इसी वीडियो में। ठीक है, लेकिन फिलहाल हम जो इस वीडियो में बात करने वाले हैं वो सारे क्वेश्चन CGL Tier-1 2018 में पूछे गए हैं पैरा जंबल्स। ठीक है, तो देखिए कैसे क्वेश्चंस करना होता है आपको। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये लिखा है, तो आप एक काम करिए, वीडियो को यहीं पे पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, पढ़िए, अटेम्प्ट कीजिए और आंसर बताइए, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो वीडियो को पॉज आप लोग जरूर से कर लीजिएगा, मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं आपके लिए। क्वेश्चन में लिखता है एन एनवायरमेंटल ग्रुप परफॉर्म्ड अ नेक्रोप्सी ऑन द एनिमल एंड फाउंड अबाउट 40 kilograms ऑफ प्लास्टिक इंक्लूडिंग ग्रोसरी बैग्स एंड राइस सैक्स। A 4.7 meter long whale died on Saturday in Philippines, where it was stranded a day earlier. It's very disgusting and heartbreaking, he said. We have done necropsies on 61 dolphins and whales in last 10 years, and this is one of the biggest amount of plastic we have seen.
The animal died from starvation and was unable to eat because of the trash filling its stomach, said Daryl Blatchley, director of D. Bond Collector Museum Inc. देखो, हर सवाल को करने के दो तीन तरीके हैं, मैं आपको सारे तरीके एक एक सवाल में बताता चलूंगा. एक तरीका इस सवाल को करने का यह है कि ऑप्शन देखिए आप. ऑप्शन अगर आप देखते हैं तो यहां बी से शुरू हो रहा है, यहां डी से, यहां ए से, यहां बी से. यानी कि दो ऐसे ऑप्शन है जहां पर सेंटेंस बी से शुरू हो रहा है. इसका मतलब प्रोबेबिलिटी जो है सेंटेंस में आंसर शुरू होने की, वो बी से काफी हाई है. प्रोबेबिलिटी बी से काफी ज्यादा है. तो आप बी वाले ऑप्शंस को डायरेक्ट चेक कर सकते हैं. अगर आप बी वाले ऑप्शंस को डायरेक्ट चेक करते हैं तो यहां पर ऑलरेडी बी ए लिखा हुआ है, यहां पर भी ऑलरेडी बी ए लिखा हुआ है. आपको सिर्फ और सी और डी को अरेंज करना है. अब मैं आपको एक तरीका बताऊंगा जिससे सी और डी एकदम स्नैप में अरेंज हो जाएंगे और उसके बाद आप आंसर निकाल सकते हो. देखिए, सी में कहता है इट्स वेरी डिस्गस्टिंग एंड हर्ट ब्रेकिंग ही सेड. किसने कहा? ही सेड. वी हैव डन, यानी वी हैव डन नेक्रोप्सीज ऑन 61 डॉल्फिन्स एंड व्हेल्स इन लास्ट 10 ईयर्स. दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट अमाउंट ऑफ प्लास्टिक्स वी हैव सीन. अब यहां पर ये ही का इस्तेमाल कर रहा है. याद रखिए, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपकी दो चीजें इस्तेमाल होती हैं. एक होता है आपका पर्सनल प्रोनाउन का रूल, एक होता है आपका पर्सनल प्रोनाउन का रूल. ठीक है, दूसरा इसमें जो रूल लगता है वो आपका लगता है आर्टिकल का, डेफिनेट आर्टिकल का रूल, दैट इज द. अब देखो ध्यान से इस क्वेश्चन को. यहां पर इन्होंने क्या लिखा हुआ है? वी हैव डन द नेक्रोप्सीज. ठीक है, यहां ही लिखा हुआ है. ही ये किसकी बात कर रहा है? अगर ऑप्शन ए की बात करो तो इसमें इन्होंने ही को इंट्रोड्यूस किया है? नहीं. ऑप्शन बी की बात करो, क्या इसमें इन्होंने ही को इंट्रोड्यूस किया है? नहीं. ऑप्शन डी की बात करो, यहां पर इन्होंने डैरिल ब्लैचली इनका नाम लिखा हुआ है. इसका मतलब यहीं पर तो ये ही का इस्तेमाल कर रहा है. तो सीधी सी बात है, आप सभी को प्रोनाउन की डेफिनेशन याद है. प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या कहती है? प्रोनाउन की डेफिनेशन कहती है प्रोनाउन इज अ वर्ड, इट इज अ वर्ड विच रिप्लेसेस नाउन. तो प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन वो शब्द है जो नाउन को रिप्लेस करता है. इसका मतलब उल्टा तो नहीं हो सकता. नाउन तो प्रोनाउन को रिप्लेस नहीं करेगा, प्रोनाउन ही नाउन को रिप्लेस करेगा. अगर ऐसा है तो ही में और आपके डैरिल ब्लैचली में से कौन पहले आएगा? ऑब्वियस ही बात है, नाउन पहले आता है और उसके बाद प्रोनाउन आता है, क्योंकि प्रोनाउन की डेफिनेशन ही कहती है कि प्रोनाउन इज अ वर्ड विच रिप्लेसेस नाउन. ठीक, इसका मतलब है ऑप्शन डी पहले आएगा और ऑप्शन सी बाद में आएगा. तो ऑप्शन सी पहले आएगा और ऑप्शन डी बाद में आएगा. अगर ऑप्शन सी पहले आएगा, सॉरी मेरा मैंने दो बार उल्टा बोल दिया, एक सेकंड रुक जाओ. हाँ, इसका मतलब ये सिंपली क्लियर है कि ऑप्शन डी जिसमें कि नाउन रखा है वो पहले आएगा, ऑप्शन सी जिसमें कि प्रोनाउन रखा है वो बाद में आएगा. यदि ऐसा है तो यहां पर ठीक है, क्योंकि यहां डी बाद में रखा है, सी बाद में रखा है, यहां ठीक है. यहां इन्होंने सी पहले रख दिया. प्रोनाउन को पहले आ सकता है? नहीं आ सकता, क्योंकि प्रोनाउन की डेफिनेशन ही गलत हो जाएगी अगर प्रोनाउन पहले आने लग गया. तो ऑप्शन ए नहीं हो सकता. ठीक, ऑप्शन इसकी बात करो, यहां पर भी इन्होंने सी डी रखा हुआ है, क्या ये हो सकता है? नहीं हो सकता. ऑप्शन हमारे दो बचते हैं, जिसमें से मैं पहले ही बता चुका हूं बी से शुरुआत होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि दो ऑप्शन बी से शुरू हो रहे हैं. तो आंसर तक हम तो पहुंच गए, लेकिन मैं आपको और ट्रिक्स बताता हूं, क्योंकि ऐसे सवाल आपके और भी एग्जाम में मिलेंगे. अब देखो, एन एनवायरमेंटल ग्रुप परफॉर्म, यहां पर देखिए एनवायरमेंटल ग्रुप के पहले एन लगा हुआ है, इसका मतलब ये इनडेफिनिट है. इसके बाद लिखता है एनिमल, द एनिमल. तो एनिमल क्या है बेटा? एनिमल होता है आपका कॉमन नाउन, और कॉमन नाउन के सिंगुलर काउंटेबल कॉमन नाउन के पहले आप जो है द ए और एन का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, आप द का इस्तेमाल कब करते हैं? द जो है डेफिनिट आर्टिकल होता है, और ये कहता है द का इस्तेमाल तब होता है जब आप द का इस्तेमाल आप तब करते हैं जब आप किसी चीज को डेफिनिट बना देते हैं, डिफाइन कर देते हैं. ठीक है, जैसे कि अगर मैं कहूं आई सॉ अ गर्ल इन द पार्टी, मैंने कहा आई सॉ अ गर्ल इन द पार्टी. तो अब इस सवाल में मैंने इस सेंटेंस में गर्ल को इंट्रोड्यूस किया. अब अगले सेंटेंस में मैं लिखूंगा तो मैं लिख सकता हूं द गर्ल वॉज वेरी ब्यूटिफुल. समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि मैंने यहां पर गर्ल को इंट्रोड्यूस कर दिया. नाउ वी कैन मेक इट डेफिनेट, क्योंकि हम सिर्फ उसी गर्ल की बात कर रहे हैं जिसको मैंने पार्टी में देखा था. इसका मतलब इस सेंटेंस में अगर आप ध्यान से देखो तो यहां कह रहा है द एनिमल एंड फाउंड अबाउट 40 किलोमीटर, यानी कि एनिमल को हमें डेफिनेट बनाना है.
अगर हमें एनिमल को डेफिनेट बनाना है तो उसके लिए मुझे पहले किसी एनिमल को इंट्रोड्यूस करना होगा। इसका मतलब सेंटेंस ए से शुरू नहीं हो सकता, इसका मतलब ऑप्शन सी आंसर नहीं हो सकता। वी हैव गॉट वन मोर रीजन फॉर इट। ठीक, इसी तरीके से ऑप्शन डी पर आइए, तो डी में कहता है द एनिमल, अगेन वी हैव मेड द एनिमल डेफिनिट। अगर हमें डेफिनिट बनाना है तो पहले हमें उस एनिमल को इंट्रोड्यूस करना होगा, इसका मतलब सेंटेंस डी से भी शुरू नहीं हो सकता। सो वी कैन एलिमिनेट द ऑप्शन बी एज वेल। दो ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो गए, बाकी के रीजन मैंने आपको बताया, डी के बाद सी आएगा। दूसरी चीज, अब हम देखते हैं एनिमल हमने इंट्रोड्यूस कहां पर किया है। तो अगर आप सेंटेंस बी देखो तो कहता है अ 4.7 मीटर लॉन्ग वेल डाइड ऑन सैटरडे इन फिलीपींस वेयर इट वॉज स्ट्रैंडेड, वेयर इट वॉज स्ट्रैंडेड, यानी कि 4.7 मीटर लॉन्ग लंबी वेल जो है पकड़ी गई, मर गई हुई फिलीपींस में। ये क्या है, एक जनरल स्टेटमेंट है। साथ ही साथ आप देखो वेल के साथ में मैंने ए लगाया हुआ है क्योंकि ये कॉमन था। उसके बाद इस एनिमल को मैंने डेफिनेट बना दिया, यानी कि सेंटेंस हमारा किससे शुरू होगा, बी से, क्योंकि बी के बाद ही एनिमल डेफिनेट हो रहा है और उसके बाद ही ए आ सकता है। तो आंसर हमारा क्या हुआ, बी ए डे सी, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। बात समझ में आई? आपको ये सवाल करने में इतना समय नहीं लगेगा, आपको ये सवाल करने में मुश्किल से समय लगेगा 10 से 15 सेकंड का, लेकिन मैंने आपको यहां पर समय इसलिए लिया क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप सारे तरीके समझ जाएं कि किस तरीके के सवाल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और किस किस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। मैं आपको अटेम्प्ट करने का तरीका समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आई थिंक ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया, और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। ठीक है, तो आशा करता हूं ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। 4th June Shift 1 का पेपर था ये, 4th June Shift 1 का क्वेश्चन था आपका। ठीक है, वीडियो की पीडीएफ जो है आपको aman.sscmentor.com पर मिल जाएगी। अगर आप ये सारे पैरा जंबल्स की प्रैक्टिस करना चाहते हैं खुद से तो aman.sscmentor.com पर आप लॉगिन कर लीजिएगा, वहां से आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल, यहां पर सेंटेंस शुरू होता है द कैफेज ओनर सेज ही इज इंटरेस्टेड इन कन्वर्सेशन एंड होप्स कस्टमर्स विल रियलाइज द एनिमल्स आर वर्थ सेविंग इवन दो दे ऑफन हैव अ बैड रेपुटेशन। None of them are venomous, meaning customers can get up close and personal with the reptiles. Here you sip your drink in the company of 35 snakes. This cafe, which has just opened in Tokyo, is not for the faint-hearted. अब इस सवाल को आपने पढ़ा पूरा। जब आप इसको पढ़ते हैं तो आपको पता करना है इसको अरेंज कैसे करना है। ऑप्शन नंबर यहां पर ए से शुरू हो रहा है, यहां डी से, यहां ए से, यहां डी से। तो इन्होंने एक चीज तो हमारे लिए बहुत आसान कर दी कि या तो सेंटेंस ए से शुरू होगा या डी से शुरू होगा, बी या सी से तो शुरू ही नहीं होगा। ठीक, तो यानी कि ए या डी से हमें शुरू करना है। अब आगे बढ़ो, कहता है कि आप देखो ऑप्शन नंबर बी देखो, यहां कहता है नन ऑफ देम आर वेनमस। आपको जहां कहीं भी प्रोनाउंस दिखेंगे आप उनका देखेंगे प्रोनाउन कहां पर किसके लिए इस्तेमाल हुआ है। जैसे ऑप्शन नंबर ए, यहां ही यूज हुआ है तो किसके लिए, कैफे ओनर के लिए। यह बात इन्होंने इसी सेंटेंस में क्लियर कर दी, इसलिए अब हमें इसमें उलझेंगे नहीं। लेकिन ऑप्शन बी में हमें नहीं क्लियर किया कि देम जो है किसके लिए आया है। हेयर यू सिप योर ड्रिंक इन द कंपनी ऑफ 35 स्नेक्स। अब एक बात बताओ, पूरे इस पैसेज में से आपको कौन कौन वेनमस दिख रहा है। वेनमस का मतलब होता है जहरीला, तो जहरीला कौन दिख रहा है यहां पर, जहरीले स्नेक्स ही होते हैं और कोई तो जहरीला होता नहीं है। इसका मतलब सेंटेंस सी के बाद में क्या आएगा, बी आएगा। तो हेयर यू सिप योर ड्रिंक इन द कंपनी ऑफ 35 स्नेक्स, नन ऑफ देम आर वेनमस, मीनिंग कस्टमर्स कैन गेट अप क्लोज एंड पर्सनल विद द रेप्टाइल्स। भी लिखा हुआ है तो रेप्टाइल मतलब स्नेक की बात हो रही है। ठीक, इसके आगे देखिए, कहता है दिस कैफे विच हैज जस्ट ओपन इन टोक्यो इज नॉट फॉर द फेंट हर्टेड। नाउ कहता है हेयर यू सिप, हेयर मतलब क्या है, हेयर इज अ एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो अगर आप इससे पूछो वेयर, हेयर का जवाब भी तो आना चाहिए कि आप कहां की बात कर रहे हैं। अगर आप कह रहे हैं हेयर तो वेयर, अगर आप कहते हैं वेयर तो इसका मतलब कहां पे, कैफे की बात कर रहे हैं। यानी कि सेंटेंस में डी आएगा, उसके बाद में सी आएगा, उसके बाद में आपका बी आएगा। अब देखो ऑप्शंस में से कहां पर डी के बाद सी आ रहा है और उसके बाद में बी आ रहा है, तो यहां डी आ रहा है, सी आ रहा है, बी आ रहा है, बाकी कहीं पर तो ऐसा है नहीं। यहां पर डी बी सी आया, फिर से वही वाली बात है भाई, यहां प्रोनाउन पहले आ गया बाद में नाउन आया, ऐसा नहीं हो सकता, पहले नाउन आएगा बाद में प्रोनाउन आएगा। तो आंसर क्या बनेगा आपका, बी। तो आंसर आपका क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर बी। आई थिंक ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा अच्छे से आप लोगों को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, अब देखिए अगर आप में से किसी को ऐसा लग रहा है कि ये जो क्वेश्चन है मैं बहुत ही आसान दे रहा हूँ, तो बेटा मैं आसान नहीं दे रहा हूँ, मैं वो क्वेश्चन करा रहा हूँ जो सीजीएल 2018 के टीयर 1 में पूछे गए थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, मुझे इनफ रिस्पॉन्स मिला, तो मैं आगे भी अच्छे अच्छे सवाल भी करवा दूंगा, थोड़े से जो डिफिकल्ट हो सकते हैं, जो बहुत डिफिकल्ट सवाल बन सकते हैं, मैं वो भी आप लोगों को करवा दूंगा। लेकिन उसके लिए आपको वीडियो को देखना होगा पूरा एंड तक, और उसके बाद इसे शेयर करना होगा जिससे कि बाकी लोगों को भी इसके बारे में पता लगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है द एलिफेंट टस्क्स वर ट्रैक्ड फ्रॉम द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो फॉर 2 months। कस्टम्स ऑफिशियल्स इन थाईलैंड से इट्स द बिगेस्ट सीजर इन द कंट्रीज हिस्ट्री। 4 tons ऑफ आइवरी विद अ मार्केट वैल्यू ऑफ $6 million, इट वॉज एन इम्प्रेसिव हॉल। ऑफिशियल्स से दैट दे वर बींग ट्रांसपोर्टेड टू लाओस फ्रॉम वेयर दे बिलीव्ड द आइवरी वुड बी सोल्ड टू कस्टमर्स अक्रॉस एशिया। देखिए जब आपने एक चीज नोटिस करी होगी, जब मैं पैराग्राफ को पढ़ रहा था तो मैं कुछ चीजें हाईलाइट कर रहा था। आप लोग चाहिए तो इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप कर लीजिए, पॉज कर लीजिए, और फिर इस वीडियो को इसके क्वेश्चंस को करिए, और उसके बाद हम इसको डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है आपका, ऑप्शन देखिए सी से शुरू हो रहा है या ए से शुरू हो रहा है, यानी कि या तो सेंटेंस सी से शुरू होगा या ए से शुरू होगा, ठीक है। अगर आप ए को देखो तो कहता है आपका एलिफेंट टस्क वर ट्रैक फ्रॉम द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो फॉर 2 months, तो ये भी काफी हमें आपका जनरल स्टेटमेंट लगता है। सी की बात करेंगे तो ये भी जनरल लगता है, तो हमें ये नहीं पता चल पा रहा है कि ए से शुरू होगा या सी से शुरू होगा, ठीक। मैं आपको एक आगे चीज बताता हूं, देखिए कहता है इट्स द बिगेस्ट हॉर्स बिगेस्ट सीजर। इट क्या होता है बेटा, इट होता है प्रोनाउन आपका। अगर इट प्रोनाउन है तो किसी ना किसी नाउन के लिए इस्तेमाल हुआ होगा। तो आप देखो कि ये कौन, व्हाट इज द बिगेस्ट सीजर, बिगेस्ट सीजर क्या है, 4 tons ऑफ आइवरी विद अ मार्केट वैल्यू ऑफ $6 million, यानी कि ऑप्शन पहले आएगा सी और उसके बाद में आएगा बी, कोई समस्या नहीं। आगे देखिए, यहां पर आता है ऑफिशियल्स, यहां पर आता है कस्टम्स ऑफिशियल्स। तो मैं आपको एक और अप्रोच बताता हूं जिसे मैं कहता हूं छोटा राजन अप्रोच। देयर इज एन अप्रोच नेम छोटा राजन अप्रोच। छोटा राजन अप्रोच क्या कहती है, छोटा राजन अप्रोच ये कहती है कि देखिए अगर किसी सेंटेंस में एक बार फुल फॉर्म लिखा है और उसके बाद उसका एब्रीविएशन लिखा है या एक्रोनिम लिखा है, तो पहले फुल फॉर्म आएगा बाद में एक्रोनिम आएगा, पहले फुल फॉर्म आएगा बाद में एक्रोनिम आएगा। ये इस तरीके से भी हो सकता है, मान लीजिए एक जगह पर मैंने लिखा डॉक्टर मनमोहन सिंह, फिर एक सेंटेंस में मैंने लिखा डॉक्टर सिंह, तो पहले डॉक्टर सिंह नहीं आएगा, पहले आएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह और उसके बाद में आएगा डॉक्टर सिंह, यानी कि पहले हम लिखते हैं पूरा नाम फिर लिखते हैं छोटा नाम। जैसे मान लीजिए अगर हमने किसी सेंटेंस में लिखा नरेंद्र मोदी, ठीक है, एक सेकंड रुकिए, और दूसरे सेंटेंस में मैंने लिखा मोदी, तो पहले आएगा नरेंद्र मोदी उसके बाद आएगा मोदी, ठीक। सिमिलरली अगर मैंने किसी सेंटेंस में लिखा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो पहले में आएगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दूसरे में आएगा यूएसए। ये लिखने का तरीका होता है विच इज फॉलोड इन एवरी पैराग्राफ और इन एवरी बुक और राइटिंग, ठीक। अब इस सेंटेंस को देखिए, यहां पर ये लिख रहा है कस्टम्स ऑफिशियल्स, यहां लिख रहा है ऑफिशियल्स, यानी कि यहां पर उसने उसका नेम छोटा कर दिया। इसका मतलब ये क्लियर है कि पहले आपका बी आएगा और जो है डी उसके बाद में आएगा, जरूरी नहीं है कि तुरंत बाद आए, लेकिन हाँ एटलीस्ट बाद में ही आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हाँ हो सकता है, और अगर आप इसकी बात करो जिसमें डी पहले रख दिया है, वो नहीं हो सकता आंसर। यहां पर 3 जगह तो प्रोबेबिलिटी बनती है, लेकिन मैंने आपको अभी एक चीज और बताई थी कि सी और बी एक साथ आएंगे, तो सी और बी, सी के पहले सी आएगा बाद में बी आएगा, तो ये नहीं हो सकता है। बचे हमारे पास 2 ऑप्शन। अब ध्यान से देखिए, 4 tons ऑफ आइवरी विद अ मार्केट वैल्यू ऑफ $6 million, इट वाज एन इंप्रेसिव हॉल। कस्टम ऑफिशियल जो थाईलैंड में थे उन्होंने कहा यह बिगेस्ट सीजर है कंट्री में हिस्ट्री, कंट्रीज हिस्ट्री में। अब देखो डी में कहता है ऑफिशियल्स, तो वाली बात तो ठीक है, लेकिन यहां पर कह रहा है देवर बींग ट्रांसपोर्टेड। अब आपको ये पता करना पड़ेगा ये दे किसके लिए आया है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पर हमने जो प्लूरल लिखा है वो किसका लिखा है,
एलिफेंट टस्क का, यानी कि दे किसकी वजह से आ रहा है, एलिफेंट टस्क की वजह से आ रहा है। तो एलिफेंट टस्क वर ट्रैक्ड फ्रॉम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो फॉर 2 months, यानी कि जो ये दे है वो किसके लिए आएगा, एलिफेंट टस्क की वजह से आएगा। इसका मतलब डी से पहले आपका क्या आना चाहिए, ए। इसका मतलब डी से पहले कहां पर ए आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए में, यहां तो नहीं आ रहा, इसको भी हटा दीजिए, बचा आपका ऑप्शन नंबर ए। आंसर हो जाएगा सी बी ए डी इज द राइट आंसर। आपको ये बात समझ में आई या नहीं आई मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में जरूर से, क्योंकि मैं आपको चाहता हूं कि ये बातें आपको पूरी तरीके से समझ में आए, तभी आप बेहतर कर पाएंगे, क्योंकि पैरा जंबल का जो चैप्टर है बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। आपके 20 से 25 नंबर इस चैप्टर से सिक्योर हो सकते हैं। तो अगर ये वीडियो से क्वेश्चन को आपको मदद मिल रही है तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो से कितनी मदद मिली या नहीं। और ये क्वेश्चन मैं आपको बार बार बता रहा हूँ सीजीएल 2018 टीयर 1 के हैं। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत आसान या बहुत डिफिकल्ट करा रहा हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी कि क्वेश्चन किस तरीके से अटेम्प्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आएंगे। इस क्वेश्चन में मैं आपको जल्दी से ये बताऊंगा कि जल्दी से क्वेश्चन का आंसर कैसे मार्क करना है, और फिर उसके बाद में इसका कंसेप्ट बता दूंगा, ठीक है। ध्यान से देखो, ऑप्शन नंबर ए, यहाँ डी, यहाँ बी, यहाँ बी, दो जगह पर मेरा बी से शुरू हो रहा है, तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि सेंटेंस मेरा बी से शुरू होगा, ठीक है। इसके अलावा यहां पर कहता है इन थाईलैंड ऑल्सो, अगर उसने मेरे से कहा है थाईलैंड ऑल्सो, तो सी जो है वो बाद की तरफ आएगा, क्योंकि ऑल्सो मतलब अगर मान लीजिए मैं कहता हूं यू आर अ गुड बॉय, मैंने कहा यू आर अ गुड बॉय, फिर मैंने कहा कि यू आर इंटेलिजेंट ऑल्सो, यू आर इंटेलिजेंट ऑल्सो, तो यहां पर इसका मतलब सिंपल सी बात है, पहले मैं गुड कहूंगा उसके बाद में ऑल्सो वाला सेंटेंस रखूंगा, क्योंकि ऑल्सो हमेशा बाद में आता है, ठीक। अगर ऑप्शन बी देखो, और ऑप्शन आप यहां पर देखिए बी से अगर शुरू करते हैं, तो बी के बी में कह रहा है एनवायरमेंटल ग्रुप्स हैव टैग्ड द फिलीपींस आर वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट पोल्यूशन पोल्यूटर ड्यू टू इट्स रिलायंस ऑन सिंगल यूज प्लास्टिक। उसके बाद में आता है दैट सॉर्ट ऑफ पोल्यूशन विच इज ऑल्सो वाइड स्प्रेड इन साउथ ईस्ट नेशन रेगुलरली किल्स वाइल्ड लाइफ लाइक वेल्स टर्टल्स एटसेट्रा। यहां पर वेल्स को मारने की बात कर रहा है, इसका मतलब इसके आगे वो एग्जाम्पल देगा वेल्स कहां पर मर रही है, वो आपका दे रहा है डी में, और डी में कहता है कि ऐसा ऐसा हुआ है फिलीपींस में एक वेल मरी है और उसके बाद थाईलैंड में भी मरी है। इसका मतलब पहले डी आएगा, फिर सी आएगा, उसके पहले ए आएगा, आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक। ये हो गया जल्दी से करने का तरीका, लेकिन मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट बताता हूँ। देखिए मैंने जैसा कि कहा यहाँ लिखा है थाईलैंड ऑल्सो अ वेल डाइड लास्ट ईयर आफ्टर स्वेलोइंग मोर देन 80 प्लास्टिक बैग। अगर थाईलैंड में भी वेल मरी है, इसका मतलब कहीं और पे भी वेल मरी है। कहाँ मरी है, इन अ लेटेस्ट केस अ वेल विद 40 किलोज ऑफ प्लास्टिक ट्रैश इन इट्स स्टमक डाइड ऑन सैटरडे इन सदर्न फिलीपींस वेयर इट वॉज स्टैंडेड अ डे अर्लियर। यानी कि पहले आएगा डी और उसके बाद में आएगा सी, क्योंकि आपको इसी तरीके से लिखना पड़ेगा, अदरवाइज आप ऑल्सो वाली बात को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब जहां कहीं भी सी डी लिखा है आप उसे हटा सकते हैं, जहां कहीं भी सी डी लिखा है आप उन्हें हटा सकते हैं। दो ऑप्शन आपने हटा दिए। इसके अलावा ऑप्शन ए की बात करो, कहता है दैट सॉर्ट ऑफ पॉल्यूशन विच इज ऑल्सो वाइड स्प्रेड इन साउथ ईस्ट एशियन नेशंस रेगुलरली किल्स वाइल्ड लाइफ वेल्स एंड टर्टल्स दैट इंजेस्ट द वेस्ट। अब देखो यहां पर वो एक आइडिया दे रहा है। आप कभी भी कोई आइडिया देते हो तो एग्जाम्पल हमेशा उसके बाद में आता है। इफ यू गिव एन आइडिया, आप उसके बाद उसका एग्जाम्पल दोगे। जैसे कि अगर आप कहोगे अहिंसा इज अ गुड वर्च्यू, ठीक है, तो अगर मैंने कहा अहिंसा इज अ गुड वर्च्यू, अहिंसा इज अ वर्च्यू या गुड वर्च्यू, तो उसके बाद मैं कहूंगा कि गांधी जी फॉलोड इट रिगरसली, ठीक। इसका मतलब मैं क्या कह रहा हूं, मैंने पहले आइडिया दिया और उसके बाद मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं कि किसने फॉलो किया। तो पहले मैंने आइडिया दिया कि इस तरीके के पॉल्यूशन से जो कि साउथ ईस्ट नेशंस में बहुत ज्यादा फैला है, तो उससे वेल्स और टर्टल्स डेली इनके इंजेस्ट होता है, तो मैं उसका एग्जाम्पल दूंगा। एग्जाम्पल कहां पर है, डी में, क्योंकि मैंने डी में कहा है कि इन द लेटेस्ट केस ऐसा ऐसा हुआ है, यानी कि डी से पहले क्या आएगा, ए। अगर हमारा ए और डी और सी एक साथ आ रहा है तो ऑप्शन कहां पर हमारा, ये। और वैसे भी अगर ऑप्शन बी को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऑप्शन बी हमारा कह रहा है एनवायरमेंटल ग्रुप्स हैव टैग्ड द फिलीपींस एज वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट ओशन पॉल्यूटर्स ड्यू टू इट्स रिलायंस ऑन सिंगल यूज प्लास्टिक्स। तो आंसर हमारा क्या हो रहा है, यानी कि आंसर विल बी सी पार्ट। कोई दिक्कत इस सवाल में, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है एन एस्टिमेटेड 70% ऑफ दिस प्लास्टिक विच एंटर्स द सी सिंक्स,
ठीक है, उसने कहा एस्टिमेटेड ऑफ 70% ऑफ दिस प्लास्टिक विच एंटर्स द सी सिंक्स. दिस इज अ प्रॉब्लम दैट स्ट्रेचेस फार बियॉन्ड इंडिया. 8 million tons of plastic ends up in the world's ocean every year, causing damage to the fragile ecosystem, and much of it is not biodegradable. अब देखिए सेंटेंस को ध्यान से, कह रहा है एस्टिमेटेड 70% ऑफ दिस प्लास्टिक. दिस हमारा क्या होता है, यहां पर यह होता है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. अगर ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, अगर आप इसको प्रोनाउन कहना चाहते हैं प्रोनाउन कह लीजिए, हम उस डेफिनेशन में अब फिलहाल नहीं जा रहे. तो अगर कहीं पर आपको दिस या फिर दैट अगर दिखते हैं, या फिर कोई भी पर्सनल प्रोनाउन या पोजेसिव प्रोनाउन अगर दिखता है, तो आप हमेशा देखेंगे कि इसका इस्तेमाल किसके लिए हुआ है. इसी तरीके से यहाँ दिस प्रॉब्लम की बात है, तो हमें देखना पड़ेगा कौन सी प्रॉब्लम है. ठीक, तो दिस प्लास्टिक कौन सी है, वो वाली प्लास्टिक जो कि 8 million टन जो है जो वर्ल्ड ओशन में जा रही है, यानी कि पहले सी आएगा और उसके बाद में ए आ सकता है. और जब वो समुंदर में जाती है तो इसमें से इट लिखा है, इट किसके लिए है, इसी प्लास्टिक के लिए, यानी कि ए के बाद क्या आ सकता है, डी, एंड मच ऑफ इट इज नॉट बायोडिग्रेडेबल. ठीक, अब आपने ये पूरी समस्या बता दी, तो ये एक ऐसी समस्या है जो कि भारत से बाहर भी स्ट्रेच कर रही है. तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, सी ए डी बी इज द राइट आंसर. आपको बात समझ में आई या नहीं आई, आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा. अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है पूरी तरीके से, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो से कितना मदद हुआ और आपको कुछ चीज़ें समझ में आई या नहीं आई. मैं आप सभी से इतना जरूर कहूँगा कि जितने भी क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, इन सभी क्वेश्चंस को आप लोग अगर इस वीडियो का पूरा लाभ उठाना चाहते हैं, तो यही बेस्ट तरीका है कि पहले वीडियो देखिए. वीडियो देखने के बाद पहले वीडियो में आप जैसे ही क्वेश्चन आ रहा है उसको पॉज कर लीजिए, उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की पूरी कोशिश कीजिए. एक बार ही वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लें, फिर आप वीडियो का सोल्यूशन देखें. क्योंकि देखो, मुझे एक बात मैं आप लोगों को बहुत ही ब्लंटली बता रहा हूँ, आप में से सभी लोग ये क्वेश्चंस कर लेते होंगे, ऐसा कोई नहीं होगा जिससे ये सवाल होते ना हो सबसे जाते होंगे. लेकिन बात वही है, किसी के 20 में से 10 सही होते हैं, किसी के 20 में 16, किसी के 20 में 13, किसी के 20 में 11. तो आपको अगर ये 20 में से 20 सही करने हैं, तो जो तरीके मैंने बताए हैं इन्हें अप्लाई करना शुरू करिए. क्योंकि बेटा देखो, मैं एक बात और बताता हूं, मैथ्स का पेपर देख के लड़का निकलता है, वो साफ साफ बोलता है मेरे 80 सही हैं, एक गलत है, 90 सही हैं, एक गलत है. लेकिन इंग्लिश का पेपर देख के लड़का निकलता है, कहता है, बताता है 198 अटेम्प्ट किए हैं, कितने सही कितने गलत हमको नहीं पता. तो इंग्लिश के पेपर में सबको अपना दही मीठा लगता है, आपको भी अपना दही मीठा लगेगा. अगर आप चाहते हो कि उसमें आपको ये पता चले कि आप अगर बेहतर तरीके से पैरा जंबल की कुछ तरीके होते हैं, ऐसा नहीं है कि पैरा जंबल में आप लोग कैसे मार्क करते हो, अच्छा ये अच्छा लग रहा है. ज़्यादातर लोगों को मैंने बात किया, ज़्यादातर लोगों ने मुझसे ये बताया कि यार पैरा जंबल तो ऐसे ही करते हैं, ये वाला सेंटेंस इसके साथ में अच्छा लग रहा है इसलिए ये इसके साथ में होगा. नहीं सर, अच्छा लगने से नहीं होता, देर इज अ लॉजिक बिहाइंड इट. सेंटेंस फ्रेम करने के लिए, पैराग्राफ फ्रेम करने के पीछे एक लॉजिक है, और उस लॉजिक से ही सवाल होंगे. आपके अच्छा लगने और अच्छा नहीं लगने से एग्जामिनर को कोई फर्क नहीं पड़ता. हो सकता है आपको साथ सी के साथ में ए अच्छा ना लग रहा हो, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता, आंसर बी ही रहेगा और उसी से मार्क्स मिलेंगे. अगर आप सोच रहे हो कि आपको बिना अच्छा लगे अच्छा भी लगना चाहिए और आंसर भी आ जाना चाहिए, तो वो मुश्किल है. अच्छा लगे ना लगे, लेकिन लॉजिक ढूंढिए और लॉजिक के साथ में ऑप्शंस को टिक करिए, आपके आंसर सही होंगे. ठीक है, ऑप्शन के बहुत सारे तरीके हैं, मैंने आपको सारे तरीके बताए. जैसे इस क्वेश्चन में भी दो ही ऐसे ऑप्शन थे, एक या तो सी से शुरू हो सकता था या बी से ए से शुरू हो सकता था. एक बार आपने इसमें से फिगर आउट कर लिया, तो ऑप्शन इसमें भी देखिए, दो ऐसे ऑप्शन है जहां पर सी से शुरू हो रहा है. आप इसको देख सकते हो कि सी से एंड सेंटेंस एंड हो सकता है कि नहीं हो सकता है. तो इन तरीकों से आप इन क्वेश्चंस को बेहतर तरीके से कर सकते हो. अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कीजिएगा. अगर आपको कोई भी समस्या है, कोई भी सवाल है आपका, तो आप मुझे aman.sscmentor@gmail.com पर मेल करके पूछ सकते हैं. मैं आपकी अगर क्वेरी जेन्युइन होगी तो मैं जवाब जरूर दूंगा, aman.sscmentor@gmail.com पे. ठीक है, तो आप मेल जरूर कीजिएगा. इसके अलावा अगर आपने फेसबुक पेज लाइक नहीं किया तो फेसबुक पेज लाइक कर लीजिए. उसके लिए फेसबुक पे सर्च कीजिएगा @trivedi_aman25 ऑन फेसबुक. और इस वीडियो की PDF अगर आपको चाहिए है तो aman.trivedi.com पर जाकर वीडियो की PDF आपको मिल जाएगी. अभी नहीं, लेकिन वीडियो की PDF आज की रात तक आपको अपलोड हो जाएगी और आपको इस वीडियो की PDF मिल जाएगी. ठीक है, वीडियो की PDF में मैं बाकी के सवाल भी डाल दूंगा जो कि आगे आपको मैं इसमें डिस्कस करने वाला हूँ, यानी कि वो सारे सवाल जो कि CGL 2018 के Tier-1 में
पूछे गए हैं, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ वेरी गुड डे अहेड। इसके अलावा अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली असाइनमेंट में जो देता था उसमें मेरी कोशिश यही रहती थी कि मैं आपको 5 से 10 क्वेश्चंस पैरा जंबल के दूं और 5 से 10 क्वेश्चंस आरसी के, 5 से 10 क्वेश्चन क्लोज टेस्ट के और 10 क्वेश्चन एरर डिटेक्शन के मैं डेली दे रहा हूं। तो आप लोग एरर तो बहुत दिन से प्रैक्टिस करते हो और बहुत प्रैक्टिस करते हैं लेकिन बाकी के चैप्टर्स प्रैक्टिस नहीं करते, तो उसके लिए असाइनमेंट्स को सॉल्व कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ वेरी गुड डे। बाय बाय। टेक केयर। हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच।